Everyone, greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. The series of differentiation of rubrics is for young homeopathic doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series, today we will discuss what is defiant and what is audacity. We will discuss what is defiant. Defiant in Hindi is vidrohi. It is a disposition to challenge or resist the authority, or in easy word you can say refusing to obey the authority. The important word here in defiant is authority, to resist or to disobey the authority. Authority बच्चे के लिए उसके parents होते हैं, student के लिए authority principal और उसके teachers होते हैं, और सोशल ग्रुप्स के लिए जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, अब हम इसे आसान एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. जैसे मेरे एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और उनका डायग्नोज हुआ था कि उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर है. जैसे मैंने जब उनको मेडिसिन दी तो मैं उनको ये समझा रही थी कि आपको क्या क्या नहीं खाना. तो मैंने उनको बताया कि जैसे पंजाब में कॉमनली छोले भटूरे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और मुझे उनकी वाइफ ने बताया था कि इनको फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद हैं. तो मैंने उन्हें बोला कि छोले भटूरे आपने नहीं खाने, बट ही सेड डॉक्टर साहब जो मर्जी कर लो, वो तो मैंने खाने ही खाने हैं. और एक मेरे पास एक बहुत बुजुर्ग पेशेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि देख बेटा, दवाई देनी है दो, नहीं देनी तो नहीं दो, लेकिन देसी घी की पिन्नियाँ खाना तो मैं नहीं छोड़ूंगा. दिस इज डिफाइंट. यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जो भी मैं गाइडलाइंस एज ए डॉक्टर एज ए अथॉरिटी उनको दे रही हूँ, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनको माने. वो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मुझे कहें कि ओके मैम, ये सब मैं नहीं खाऊंगा. लेकिन उन्होंने अथॉरिटी के सामने, मेरे ही सामने, दोनों पेशेंट्स ने ऐसे ही बोला कि नहीं, ये तो हम जरूर खाएंगे. दिस इज डिफाइंट. आपने आजकल बहुत कॉमनली सुना होगा ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर. ये बच्चों में आजकल कॉमन है. जैसे हम होम्योपैथी में सिम्टोमेटोलॉजी लेते हैं, लेकिन हमें डायग्नोसिस का भी पता होना चाहिए. आजकल के जो बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं. जैसे इसमें डिफाइंट एक लक्षण है, इस डिसऑर्डर में डिफाइंट एक लक्षण है, लेकिन इसमें और भी बहुत ज़्यादा लक्षण हैं. जैसे इसमें टेम्पर टेंट्रम्स क्रिएट करना या बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करना भी इस डिसऑर्डर का एक हिस्सा है. बच्चा डिफाइंट या पेशेंट डिफाइंट क्यों होता है, इसके हर रेमेडी के अपने अपने अलग इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर रेमेडी डिफाइंट क्यों हो जाती है. कुछ मेडिसिंस पहले डिफाइंट नहीं होती, लेकिन वो कुछ कारणों के कारण डिफाइंट हो जाती हैं. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑडेसिटी. ऑडेसिटी इज अगेंस्ट द सोशल कन्वेंशन. इट इज बोल्डनेस विद कॉन्फिडेंस, और इट इज अ क्वालिटी ऑफ टेकिंग बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन विच टू अदर्स अपीयर फुलिश. ऑडिसिटी में एक डेयरिंग है. यहाँ पेशेंट को पता है, उसको कैलकुलेटिव मूव है उसका, उसको पता है कि वो क्या कर सकता है और उसके परिणाम क्या होंगे. चाहे वो दूसरे पर्सन को लगे कि ये तो मूर्ख है, ये गलत कर रहा है, लेकिन पेशेंट को अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, होम्योपैथी फिजिशियन थी एक, जिसके बेटे को बहुत ज़्यादा ऊजिंग एक्जिमा था. वो होम्योपैथी से ही अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे की बुरी हालत थी, इचिंग, ऊजिंग, स्टिकीनेस, उस पे जो उसकी कंडीशन थी उसके वूंड्स की, तो सब सारे इन लॉज उसके प्रेशर डाल रहे थे कि आप इसे एलोपैथी डॉक्टर को दिखाओ, इसको ऑइंटमेंट लगाओ, तुम कोकोनट ऑयल लगाती रहती हो या मीठी गोलियां देती रहती हो. लेकिन उस डॉक्टर साहब को पता था कि उनका बच्चा होम्योपैथी से ही ठीक होगा, एलोपैथी इसको दबा देगी. दिस इज द ऑडेसिटी ऑफ दैट डॉक्टर. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ माई पेशेंट वॉज, द पेशेंट वॉज बी टेक. ही वॉज वर्किंग इन MNC एंड द पैकेज वॉज ऑफ 40 lakhs पर ईयर. तो उस लड़के ने जॉब छोड़ दी. उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी
सब परेशान थे कि ये लड़का मूर्ख हो गया है, ये लड़का पागल हो गया है कि 40 लाख का पैकेज इसने छोड़ दिया। लेकिन उस बच्चे ने मेरे को बताया कि मैम, मैं बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज से MBA करना चाहता हूँ, और जब मैं MBA कर लूँगा तो मेरा पैकेज उससे भी ज़्यादा बढ़िया होगा। और आज वो बच्चा 70 लाख के पैकेज पे है। दिस इज़ द ऑडेसिटी। सो आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर व्हाट इज़ डिफाइंड एंड व्हाट इज़ ऑडेसिटी। थैंक यू एवरीवन।